गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी कुछ ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह हमारी देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को। और अब मैं नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। मैं जो है अपनी कज़न्स के साथ चली गई है नीचे और पूरा घर फैला के चली गई थी बहुत बुरी तरह। और मैंने अभी समेटा कर दी थी, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पूरा घर फैला दिया था। पूरा घर यहाँ से नहा कर निकली थी तो पूरा फर्श गीला कर दिया ये वाला, और यहाँ से तो भाई पूरा कमरा इतना फैला दिया था। मैंने इतनी मुश्किल से समेटा है सब कुछ, चूड़ियाँ उड़ियाँ ये वो कपड़े, डिसाइड नहीं हो पाता एक तो इन लोगों ने पहनना क्या है। आमना मैडम जो है सो गई है, तैयार मैंने कर दिया था ना, अभी और भी तैयार के बाहर चली गई है। और हसन सो रहा है, हसन उठेगा तो उसको भी तैयार करेंगे। बना लिया है और अभी बनाई है पुलाव चिकन की, ये करवाए थे। अब हसन रह गया था, अब हसन को मैं शाम में तैयार करनी थी। ये पीसी वीसी कर देता है ना फिर बहुत गंद हो जाता है, और ये सो भी रहता फिर पैम्पर में कंफर्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको तैयार नहीं करता। तो अब मैंने इसको फेस वॉश करवा दिया है, नहला दिया है, और अब मैं इसको कपड़े बना देती हूँ। असल को जल्दी से निकल गया है, अब जल्दी से इसको रेडी कर देती हूँ। शहजादा यहाँ पर तैयार हो गया है, पाउडर शाउडर लगा लिया है और ज़्यादा ही पाउडर लगा लिया है अब तो लग रहा है। सर तैयार हो गया है और हसन के बैग भी लग गया है। देखिए हमने बिल्कुल तैयार हो गई, और इसकी ये दो चूड़ियाँ जो है ना ये भी मैं उतार देती हूँ। चलो उतार दो बस, ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं पहनाई ना क्योंकि कांच की होती है ना तो मसला होता है कि लगभग ना जाए। दिल नहीं चाह रहा उतारने का हमने का, फिर भी मैंने उतार दी है। शुक्र है अभी तैयार हो गई है और अब ठीक लग रही है। मैंने तो बहुत ही मेली और गंदी बच्ची लग रही थी मुझे जी, अब तो हुरैन भी मुझे बहुत बुरी लग रही है। इसको भी चेंज करा देती हूँ, बस हो गई 14 अगस्त। अभी बैठ के नीचे घुस के जो चूड़ियों के डब्बे मैंने रखे थे उनमें से मैंने अपनी निकाली हुई चूड़ियाँ, और अभी इसमें देखा है कि मैंने क्या देखा है। ये देखे इतनी प्यारी 14 अगस्त की चूड़ियाँ मैंने पिछले साल ली होंगी तो मुझे याद ही नहीं है। ये देखिए मैं चूड़ियों के लिए परेशान हो रही थी कि चूड़ियाँ नहीं है चूड़ियाँ नहीं है, लेकिन यहाँ से मिल गया मुझे चूड़ियाँ भी इतनी सारी। यहाँ पर मैं भी तैयार हो गई हूँ और बस मैं तैयार हो गई हूँ, अब हम बाहर जाएँगे कहीं पर, देखिए कहाँ जाते हैं ये मुझे पता नहीं है। और बैच भी मैंने लगा लिया है, मैंने थोड़े दिन पहले लिया था बैच और अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर सब तैयार हो गए हैं और निकल सब लोग बाहर जा चुके हैं और हसन और मैं रह गए। हमेशा सोचता है कि ना इसको छोड़ के चले जाएंगे हम, पर हम इसको छोड़ के थोड़ी जाएंगे, शहजादी को तो लेकर जाएंगे ना साथ अपने। चलो बस चल रहे हैं। जी फाइनली हम मैकडोनल्ड में आ गए थे, और उसके बाद हमने सोचा कि बच्चों को ले जाएं ऊपर
फन लैंड में जो प्ले लैंड कहते हैं जिसे, वहाँ हम गए और ये देखें यहाँ का प्ले लैंड जो था बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था और बहुत मुश्किल था, मतलब इतना ऊपर था जाके ये बिल्कुल टॉप फ्लोर पे ना, वहाँ जाके ये फन लैंड हमें मिला प्ले लैंड। फिर वहाँ जाके हमने देखा इसका पूरा रिव्यू किया, ये बहुत अच्छा था, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त था, रिजनेबल प्राइस थे और बस हुआ कुछ यूँ कि हमने बहुत कुछ सोचा था कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, हम देखते भी जा रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, अनापी और रन भी कह रही थी ये वो, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद कुछ हुआ यूँ कि हमें यहाँ से रास्ता नहीं मिला, फिर हमें पता चला कि इसका तो एंट्री जो है बैक साइड से है, फिर वहाँ जो है हम बैक साइड से, और यहाँ का व्यू जो था बहुत ही ज़बरदस्त था, और फैमिलीज यहाँ पर आई हुई थी और पूरा यहाँ पर जो डेकोरेशन हुआ था वो 14 अगस्त के हिसाब से हुआ हुआ था। ये देखें ग्रीन लाइट और बहुत अच्छा व्यू था, टॉप फ्लोर पर थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हवा चल रही थी। और ये देखें आ गए थे हम यहाँ एंट्री गेट पे और फिर ये हम गए अंदर, इंटर हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसका रिव्यू किया, ये बहुत अच्छी जगह थी, सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा था इसका, और ये यहाँ से शुरू होता है प्ले लैंड, और प्ले लैंड ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और यहाँ पे जब हम गए तो हमें पता चला कि ये तो बंद होने वाला है थोड़ी देर में, तो उन्होंने कहा कि आप अब रहने देंगे, ये जो है 5 मिनट में बंद हो जाएगा, आप पे करेंगे उसके बावजूद, मतलब ये बंद ही होना है तो आप रहने दें। फिर उसके बाद हमने बोला छोड़ो यार, नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे और फिर ट्राई करेंगे इसको भी, पूरे जो है ये वाला इसको हम देखेंगे बाद में। फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया अंदर जाना क्योंकि वो बंद होने वाला था। फाइनली यहाँ हमारा मैकडोनल्ड आ गया था और यहाँ पर हम फिर इंटर हो गए थे, और यहाँ पर सिटिंग एरिया में बिल्कुल भी जगह नहीं थी लेकिन फिर भी हमने अपनी जगह बना ही ली थी। हाँ नाभी के पापा जो हैं वो ऑर्डर देकर आ गए थे और हमने मील का वेट कर रहे थे और जब यहाँ पर आ गई थी बस अब वेट ही कर रहे थे। आपका बर्गर आपका भी है। पर हमारा ऑर्डर आ गया था और सबके जो बर्गर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, अनाभी और रन की फरमाइश के मुताबिक बर्गर फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक उनके लिए मंगवा दी थी और एक्स्ट्रा ये नगेट भी मंगवा लिए थे आमना और हसन के लिए। और ये जो सामने बर्गर रखा है ये ज़्यादा जो था ना मज़े का था, और जो ज़्यादा बड़ा होगा जो ज़्यादा अच्छा होगा वो ऑफकोर्स मेरा ही होगा,
तो नगेट्स मैंने दोनों को दे दिए थे, आमना को भी और हसन को भी। उसके बाद जब ये बर्गर खुला तो मैंने बोला ये सबसे अच्छा वाला जो होगा वो मेरा होगा, तो फिर मैंने ये वाला लिया और उनको दूसरा वाला दे दिया। जी खाना पीना सब हो गया था और बस अब हमने बोला बस खा लिया है, अब हम चलते हैं घर पर। और फटाफट फिर हम उठ गए थे कि सुबह स्कूल जा रहे हैं नाबिया और इनको आप ना क्यों शोर कर रही हो, स्कूल जाना था, फिर मुझे यूनिफॉर्म भी प्रेस करने थे, तो इसलिए हम जल्दी आ गए। और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। बस गए थे और आज का व्लॉग यहीं से एंड करूंगी, क्योंकि हसन और आमना जो है मुझे बहुत तंग कर रहे हैं और बहुत रो रहे हैं, उनको नींद आ रही है, उनको सुना देती हूँ। मिलते हैं कल के व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।